कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा फेज शुरू हो चुका है। दौसा के सलेमपुरा गांव से यात्रा शुरू हुई। दिन के दूसरे चरण में 9 किलोमीटर पैदल मार्च होगा। इस बीच राहुल गांधी लालसोट के बड़ौली गांव में किसान सोहलाल बैरवा के घर कुछ देर तक रुके और चाय पी। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजय दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। तेलंगाना के करीम नगर में जेपी नड्डा का टीआरएस सरकार पर जमकर हमला। टीआरएस की सरकार ने तेलंगाना को गरीब राज्य बना दिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने आज दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुलाकात की। मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। गाजीपुर के एमपीएमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने आज गोधरा कांड के एक दोषी फारूक को जमानत दे दी। उम्र कैद की सजा के खिलाफ दोषी की अप्रैल 2018 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। बिहार में जहरीली शराब से 40 मौतों के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इसी बीच छपरा जिले के मशरक थाने में स्पिरिट के कई खाली ड्रम मिले हैं। थाने के स्पिरिट से शराब बनाने में इस्तेमाल का शक है। छपरा में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया है। जहरीली शराब को लेकर 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शराब कांड पर नीतीश कुमार ने कहा कि जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते आ रहे हैं, जहरीली शराब से अन्य राज्यों में भी लोगों की जान गई है। नीतीश कुमार ने कहा, जब शराब बनती है तो खराब शराब तो मिलेगी। छपरा शराब कांड पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, हर राज्य में जहरीली शराब से मौत होती है। जहरीली शराब से मौत में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। जहरीली शराब कांड से मशरक में सबसे ज्यादा कोहराम मचा हुआ है। यहां के बहरौली पंचायत में जहरीली शराब से कुल 30 लोगों की जान जा चुकी है। श्रद्धा मर्डर केस की अब बात करते हैं। इस मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने बताया कि दिल्ली के जंगलों से मिली हड्डियों का डीएनए श्रद्धा के पिता से मैच हो गया है। श्रद्धा केस में दिल्ली पुलिस ने बताया कि सीएफएसएल से अभी 2 रिपोर्ट्स आई हैं जो केस की जांच को आगे बढ़ाने में बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। सीएफएसएल रिपोर्ट आने के बाद अब कड़ियों को जोड़ने में काफी मदद मिलेगी। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम आज एक बार फिर मेहरौली में आफ्ताब के किराए वाले घर पहुंची। यहां पर कमरे को खुलवाकर मुआयना किया गया। मुंबई के करी रोड में अविघ्न पार्क इमारत में लगी भीषण आग। 35 मंजिल पर आग लगने से हड़कंप मचा। इमारत लोअर परेल और प्रभा देवी रेलवे स्टेशन के पास। भारत प्रत्यार्पण को लेकर भगोड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी, ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकेगा। लंदन हाईकोर्ट ने नीरव को सुप्रीम कोर्ट में अपील की राहत देने से इनकार कर दिया। भारत ने आज जमीन से जमीन पर मार करने की क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अग्नि-5 5000 किलोमीटर तक सटीक मार करने की क्षमता रखती है। भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। भारतीय टीम के 404 रनों के जवाब में बांग्लादेश ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 8 विकेट पर 133 रन बना लिए। विश्व प्रसिद्ध कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 28वें संस्करण का उद्घाटन समारोह में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन के साथ शाहरुख खान भी शामिल हुए।